असलमैकम डि स्टूडेंट्स आफ क्लॉस सिकस्थ होप यु आर फाइन एट युअर होम नौ स्टूडेंट्स एज यू नो देट द चप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दि सराउंडिंगस इज़ इन प्रोग्रेस नौ अवर टुडे सब टॉपिक इज रेस्पिशन स्टूडेंटस रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्बाइन विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी ऑल द लिविंग थिंग्स अंडर गो रेस्परिएशन टू ऑबटेन एनर्जी फ्राम फूड स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए मूव करने के लिए जिंदा रहने के लिए तो ये एनर्जी फूड से हासिल करते हैं रेस्पिरेशन के ज़रिए रेस्पिरेशन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड जो हैं जो ऑर्गेनिज़म्स फूड लेते हैं तो ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी रिलीज करता है ये जो एनर्जी इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिज़म्स करते हैं ये वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो ये अदर प्रोडक्ट्स हैं प्रोसेस ऑफ है रेस्पिरेशन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ये रेस्पिरेशन आ, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी हासिल करते हैं फूड से वो प्रोसेस जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये होता है बॉडी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स में मिसाल के तौर पर जब हमारी बॉडी आवर बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्राम आयर फॉर रेस्परेशन एट द सेम टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बाय रेस्पिरेशन ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे लंग्स में तो बाय प्रोसेस ऑफ टेकिंग आयर इन टू लंग्स थ्रू नोज एंड थ्रू नोज इज़ कॉल्ड ब्रीथ इसको ब्रीथिंग कहते हैं जब हम ब्रीथिंग के दौरान इनहेल करते हैं आयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इन आउटसाइड से इनसाइड हो के आयर चला जाता है हमारी बॉडी में और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं एक्जेल करते हैं तो ये आयर मूव हो जाता है हमारी बॉडी के इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जिस आ, आयर जो कंटेन करता है ऑक्सीजन गैस जो मकसद होता है ब्रीथिंग इन आयर ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन हमारी बाडी को फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन तो आप यहाँ पे ये पिक्चर भी देख सकते हैं जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एनिमल्स में होता हैं जैसे काउज हैं बफेलोज़ हैं हॉर्सेज हैं गोट्स हैं डॉग्स हैं कैट्स हैं एट्सिट्रा ये सिमिलर होता है टू तो ह्यूमन बींगस अगर हम ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली किसी भी एनिमल को जब वो जब वो रेस्ट में होते हैं तो हम देखते हैं इनमें ये स्लो अप डाउन मोमेंट होते हैं अप डाउन की वो इंडिकेट करता है कि ये ब्रीथिंग है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग जो है जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं uh, ये इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन इज गिवन टू द बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड कुछ एनिमल्स लंग्स यानी ह्यूमन बेंगस की तरह ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाते हैं तो इनको मेक, मुख्तलिफ मेकनिज़म होते हैं ब्रीथिंग के एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मिसाल के तौर तो पर हम अर्थवरम की बात करेंगे अर्थवरम ब्रीथज थ्रू इट सिकन ये सिकन की थ्रू ये ब्रीथिंग कर पाते हैं जो सिकन हो सिकिन होता है अर्थवरम का ये क्वेट थिन होता है और मोयिस्ट होता है तो एंड हैज़ ए गुड ब्लड सप्लाई जो अर्थवर्मस एब्जर्ब करते हैं ऑक्सीजन ऑफ आयर रेस्पिरेशन के दौरान रेस्पिरेशन uh, के लिए तो ये थिन और मोइ्ट स्किन के ज़रिए ये कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान एक्सपेल होता है इसी बॉडी ऑफ द अर्थ वर्म इटस, इसी सिकिन के जरिए कार्बन डाइऑक्ड कार्बन कर, डाइऑक्साइड खारिज करते देते हैं सो इन अर्थवर्म गैसेस एक्सचेंज टे प्लेस थ्रो इट्स सिकिन विच इज़ थिन एंड मोइड इसी तरह फिश जो है फिश में भी एक स्पेशल ऑर्गन होता है ब्रीथिंग जिसको गिल्स कहते हैं गिल्स एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन जो डिज़ाल्व होता है इन वाटर तो ये होता है जब ये फ्रशिज फिशज जो ब्रीथ करते हैं बाई टेकिंग इन वाटर थ्रू इट इज माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर ओवर द दिल्ज जब वाटर प्रोसेस ओवर द गल्ज जो गिल्ज एक्सट्रैक्ट करते हैं डिजाल्व ऑक्सीजन फ्राम द्राम दिस वाटर ये जो ऑक्सीजन है ये यूज़ करते हैं ये फिशज रेस्प्रेशन के लिए uh, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्प्रेशन के दौरान जो एक्सपेल होता है बाई द गिल्ज इन टू सराउंडिंग वाटर दज द फिश हैज़ नो लंग लंगस लाइक अस फिश को हमारी तरह लंगस नहीं होते हैं जो गैस ऑफ जो गैसेज एक्सचेंज होते हैं फिश में ये गिल्स के गल्स में होता है तो स्टूडेंट्स इसी तरह एनिमल्स लाइक एनिमल्स प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है एनर्जी की प्लांट्स गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन ऑफ एयर रेस्पिरेशन के लिए और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में हर एक पत्ता इन एवरी लीफ एक प्लांट का इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स होते हैं होल्स होते हैं जिनको सिटोमीटा कहते हैं उनके सरफेस पे लीव्स के तो जो ऑक्सीजन ऑफ आयर ऑक्सीजन जो इंटर होता है प्लांट लीव्स में सिटोमीटा के थ्रू और यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इस रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट के अंदर और एक्सपेल हो जाता है लीव्स के थ्रू इन सीटोमीटा के थ्रू Thus, the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide, in plants during respiration takes place through the tiny uh, through the tiny pores in their leaves called stomata. So, students, in next we will discuss how respiration uh, sorry how excretion takes place in animals and plants. Thank. You.